Hi everyone and welcome back to my channel. I am sorry for uploading this part 4 very late. Anyhow, in this part we'll be studying the causes and reasons that led to the initiating of the Cold War in 1945. So we begin with causes and reasons behind the Cold War. Kya wajuhat the aur kya reasons the ke Cold War start hui, because the country already went through the World War, the catastrophic World War I and World War II. So why there was a need of Cold War again, why the countries again were indulged into conflicts, and you know, harsh aggressive policies towards each other and harsh behavior and attitude. So what were the reasons behind Cold War? So the first reason was that American fear of communist attack. Ab zahir baat hai, America mein to capitalism tha and USSR was having the communist ideology. So America on one hand was having the fear of a communist attack, whereas on the other hand USSR likewise was having fear of the capitalist attack. Theek hai, फिर ट्रूमेन्स डिसलाइक ऑफ स्टालिन भी था, क्योंकि दो अब ट्रूमेन जो थे, सर हैरी ट्रूमेन ही वॉज द यू एस प्रेजिडेंट एंड स्टालिन वॉज द यू एस एस आर प्रीमियर. सो बोथ वर हैविंग सम डिसलाइक्स फॉर ईच अदर. दोनों को एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे. ठीक है, सो यू एस एस आर फियर ऑफ एन एटॉमिक अटैक. जाहिर बात है क्योंकि अमेरिका ने पहले भी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया था. सो दैट वाज एन एटॉमिक पावर. सो यू एस एस आर वाज हैविंग ए फियर दैट इफ दिस कोल्ड वॉर गेट्स इन इट बिकम्स अ हॉट वॉर, तो जाहिर बात है अमेरिका वुड गो फॉर एन एटॉमिक अटैक. ठीक है, एंड सो यू एस एस आर डिसलाइक ऑफ कैपिटलिज्म से एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे. सो जाहिर बात है यू एस एस आर वॉज हैविंग डिसलाइक फॉर कैपिटलिज्म एंड यू एस ए वॉज हैविंग डिसलाइक फॉर कम्युनिज्म. यू एस एस आर नीड फॉर अ सिक्योर वेस्टर्न बॉर्डर, इसीलिए तो उसने बर्लिन ब्लॉकेट क्रिएट किया था. ठीक है, ये आयरन कर्टन बनाया था, दैट वॉज एन इमेजिनरी बाउंड्री टू डिवाइड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप इंटू एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप. ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया था. सो USSR wanted to secure its protection, so that's why it फिर उसने वो बर्लिन ब्लॉकेट किया था और ये सब. USSR aim for spreading world communism. जाहिर बात है USSR wanted to spread its own ideology थ्रू आउट द यूरोप. ठीक है, वो चाहता था कि जितने ज़्यादा उसके जो है ना वो होंगे सेम आइडियोलॉजी के, कॉमन आइडियोलॉजी शेयर करेंगे वो कंट्रीज, उसके उतने ही ज़्यादा एलाइज बनेंगे. ठीक है, तो इस तरह भी दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ सिक्योरिंग इट्स प्रोटेक्शन. और जितने भी ज़्यादा आपके एलाइज होंगे सराउंडिंग में, उतने ही ज़्यादा आप एक स्ट्रॉन्ग पावर होंगे. ठीक है, सो यू एस एस पॉलिसीज टू कॉम्बैट यू एस एस आर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस. सो द फर्स्ट वन वॉज द कंटेनमेंट पॉलिसी. नाउ दैट वॉज अ वेस्टर्न पॉलिसी टूवर्ड्स द सोवियत यूनियन इन द पोस्ट वॉर एरा. ठीक है, मतलब वेस्टर्न की तरफ से ये पॉलिसी थी टूवर्ड्स द सोवियत यूनियन. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो इट वाज अ पॉलिसी बाय सर हैरी ट्रूमैन टू अडॉप्ट द कंटेनमेंट पॉलिसी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जाहिर बात है दैट वॉज अ पॉलिसी टू कॉम्बैट यू एस एस आरस ग्रोइंग कम्युनिज्म. ठीक है, एंड यू एस एस आर देन ऑन द अदर हैंड व्यूड दिस कंटेनमेंट पॉलिसी एज एन एग्रेसिव पॉलिसी बाय यू एस ए टू बिल्ड इन्फ्लुएंस इन यूरोप. सो hence it was then it further led to the creation of tensions among USA and USSR. sharply the differences rose, and that was all about the containment policy. And let's discuss some Marshall Plan for reconstruction of Europe. So it was also created by USA. This policy was also presented by USA to provide economic aid that was needed to reconstruct Europe, and this showed USA as a caring and sincerely, you know, helping other countries, not like USSR who was being selfish. मार्शल प्लान फॉर रिकन्स्ट्रक्शन का एक हिडन एजेंडा ये भी था दैट इट वुड मेक कम्युनिज्म लेस अपीलिंग एंड इट वुड ऑल्सो मिनिमाइज द डेंजर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज टू एम्ब्रेस कम्युनिज्म. क्योंकि जाहिर बात है जितने भी सराउंडिंग्स में फिर यूएसए की आइडियोलॉजी प्रिवेल करेगी और जितने भी कंट्रीज़ कैपिटलिज्म को एम्ब्रेस करेंगे तो उतने ही ज़्यादा यूएसए पॉपुलराइज होगा. ठीक है, और उसी की बात मानी जाएंगी, एंड दैट्स हाउ यू नो द सुपर पावर दे
shape up the world politics. ठीक है, international politics को influence कैसे करना है. That was very 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 best known to USA के मतलब कैसे influence करना है, कैसे empower करना है world politics को. ठीक है, कि उसकी तरफ ज़्यादा वो हो जाए, वो हो जाए. ठीक है, आ जाए. USA की जो ये containment policy थी, this policy also led the US to get into involved in several cold war conflicts. जो जितने भी कोल्ड वॉर के टाइम के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लाइक कोरियन वॉर थी, वियतनाम वॉर थी, कॉन्फ्लिक्ट्स इन अफगानिस्तान था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, स्विस कैनाल क्राइसिस जो था, जितने भी थे. तो इट आल्सो लेड द यूएसए टू गेट इन्वॉल्व इनटू दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंटेनमेंट पॉलिसीज. तो ये रीज़न भी था एक. सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस पार्ट. The last part 5, which I'll be uploading soon, will consist of the end of Cold War. So I'll meet you in the next part. So I hope you liked the video. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. We'll meet you in the next part.